Hey everyone, this is Prem Pandey. Welcome back to favorite YouTube channel Educational Hikes. तो यार हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 इंग्लिश सप्लीमेंट्री बुक It So Happened का चैप्टर नंबर 2 Children at Work. Children at Work पूरा चैप्टर बहुत लंबा है और तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है. जैसा आप देख पा रहे हो ये थर्ड पार्ट आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं. फर्स्ट पार्ट सेकेंड पार्ट मैंने ऑलरेडी कवर कर दिया है, मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है लाइन बाय लाइन हिंदी एक्सप्लेनेशन पिक्चर्स के साथ है और हाइलाइटेड पॉइंट्स इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स सब कुछ है उन वीडियोस में. अगर आपने उन वीडियोस को अब तक नहीं देखा है यार तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, सिंपली क्लिक करके देख सकते हो. इसके साथ साथ क्लास 8 की साइंस और इंग्लिश की भी वीडियो लेक्चर्स हमने अपलोड कर दी है. अगर आपने कोई भी वीडियो मिस कर दिया है तो सिंपली आप यूट्यूब पर जाके चैप्टर का नाम स्लैश एजुकेशनल हाइक्स करके सर्च करो, आप हमारी चैप्टर की वीडियो आपको टॉप पर मिल जाएगी. अब इस वीडियो की बात करते हैं लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप नए हो हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करो यार, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशन अपलोड होते ही आपको मिल जाए. चलिए स्टार्ट करते हैं. हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा, सेकेंड पार्ट में पढ़ा कि वेलू एक लड़का है जो कि घर से भाग गया है. घर से भाग के वो एक सेंट्रल स्टेशन चेन्नई रेलवे स्टेशन पहुंचता है. वहां पर वो सोच ही रहा था कि वो क्या करे, उसे भूख भी लगी थी, लोग अनजाने थे, तभी एक लड़की उसको पुकारती है. ठीक है, लड़की का नाम रहता है जया, वो कचरा बीनने वाली होती है और लड़की वेलू से कहती है कि जब तक तुम कोई काम नहीं ढूंढ लेते यहां पर तब तक तुम मेरे साथ कचरा बीनो जिससे तुम्हें कुछ पैसे मिलेंगे और खाने को भी मिलेगा. अब वेलू को भूख लगी थी तो जया वो जो लड़की थी वो वेलू को एक बड़े से बिल्डिंग जो कि मैरिज हॉल होता है मैरिज हॉल के पीछे ले जाती है और वहां पर एक बड़ा सा कचड़े का डिब्बा रहता है जहां पर वे लोग कुछ खाते हैं, जैसे सड़े हुए केले खाते हैं वो लोग. वेलू को लड़की वड़ा देती है खाने के लिए. उसके बाद खाने पीने के बाद अब वेलू का मन तो नहीं कर रहा था ये सब खाने का, क्योंकि वेलू तो एक ठीक ठाक घर से था, उसे अच्छा खाना मिलता था, वो घर से भाग गया था. लेकिन वेलू को किसी भी तरीके से वो खाना खाना पड़ा और उसके बाद वेलू को थोड़ा सा आराम मिला तो वेलू उस लड़की के साथ उस लड़की के घर जाता है. देखते हैं आगे क्या होता है लेकिन उसके पहले हम कुछ कंप्रेहेंशन चेक क्वेश्चंस करेंगे. जो हमने लास्ट पार्ट पढ़ा था सेकेंड पार्ट उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है कि वेलू तमिल और इंग्लिश दोनों जानता था? नहीं, वेलू केवल तमिल जानता था, इंग्लिश नहीं जानता था. हाउ डू यू नो, तुम्हें कैसे पता? तमिल इसलिए जानता था क्योंकि वेलू ने आसानी से सेंट्रल जेल के ऊपर तमिल लैंग्वेज में लिखा था सेंट्रल जेल, उसे पढ़ लिया वेलू ने. लेकिन जो बड़े बड़े शहरों में पोस्टर लगे थे वेलू केवल उन पोस्टर के तस्वीरों को देख रहा था, उसमें क्या लिखा था ये वेलू समझ में नहीं आ रहा था वेलू को. ठीक है, तो ऐसे हमें पता चलता है कि वेलू केवल तमिल जानता था, इंग्लिश नहीं जानता था. दूसरा क्वेश्चन ये है कि वो लड़की कहती है अगर तुम चौकन्ना नहीं रहोगे तो तुम जल्द ही वहीं नजर आओगे, सेंट्रल जेल में नजर आओगे, तुम वहां पे बेड़ियां गिनते हुए नजर आओगे. अब लड़की ने ऐसा क्यों कहा, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं. लड़की ने किसकी तरफ इशारा करते हुए ये कहा था? तो सी इज रिफरिंग टू सेंट्रल जेल. लड़की ने जेल की तरफ इशारा करते हुए कहा था कि वो देख रहे हो ना जेल, तुम वहीं पर नजर आओगे. दूसरा क्वेश्चन, लड़की का क्या मतलब था जब लड़की ने कहा कि इफ यू आर नॉट केयरफुल, लड़की ने जब कहा कि अगर तुम चौकन्ना नहीं रहोगे तो इससे उस जया का, उस लड़की का क्या मतलब था? तो उस लड़की का यह मतलब था कि यहां पर तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम गलत काम नहीं भी करोगे तब भी अगर तुम लड़के हो और तुम अगर पकड़े जाओगे तो तुम्हें वहीं ले जाया जाएगा ताकि तुम्हारे असली माता पिता के पास तुम्हें पहुंचाया जा सके. ठीक है, तीसरा क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है कि वेयर डिड द गर्ल लीड वेलू टू, वो लड़की वेलू को कहां ले जाती है? तो वो लड़की वेलू को एक बड़े से मैरिज हॉल के पास ले जाती है. ठीक है, व्हाट डिड दे गेट टू ईट, उन्हें खाने को क्या मिलता है? दे गेट टू ईट स्क्वैशी बनानास, सड़े हुए केले एंड अ वड़ा, और एक वड़ा. ठीक है, नाउ फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट वर्क डिड सी डू, वो लड़की क्या काम करती थी? सी डू रैक पिकिंग, वो कचरा बीनने का काम करती थी. थिंक ऑफ अ वन वर्ड आंसर, एक वर्ड में अगर हम कहना चाहें तो रैक पिकिंग कह सकते हैं, कचरा बीनने वाला
काम। अब हम इस थर्ड पैराग्राफ में, थर्ड पार्ट में क्या पढ़ेंगे ये देख लेते हैं। इस पूरे पार्ट में हम पढ़ेंगे कि वेलू और लड़की एक लंबे से कतार, एक झोपड़ियों की कतार के पास जाते हैं और ये झोपड़ियां कुछ गंदे पानी के गड्ढों के किनारे रहती हैं। पडल्स का मतलब पानी के गड्ढे, ठीक है। आउटसाइड वन ऑफ द हट्स जया डम्प्स हर सैक, वो जो लड़की रहती है वो एक झोपड़ी के बाहर अपना जो थैला रहती है वो पटक देती है। ग्रेटफुल टू हिज फ्रेंड, वेलू अपने उस फ्रेंड जया को धन्यवाद कहता है। वेलू थिंक्स ऑफ द डेज अहेड, और वेलू सोचता है कि अब मेरा आगे का दिन कैसे गुजरेगा। नाउ आगे पढ़ते हैं। जया एंड वेलू वॉक्ड अलोंग द रोड्स फॉर हाफ एन आवर, जया और वेलू साथ साथ चलते रहे रोड पर आधे घंटे तक। अंटिल दे केम टू अ ब्रिज Across a dirty trickle of water, वो तब तक चलते रहे जब तक वो एक ब्रिज के पास नहीं आ गए। वो एक ऐसे ब्रिज के पास पहुंचते हैं जिसके नीचे से dirty trickle of water मतलब एक गंदे पानी का नाला बह रहा था। trickle of water मतलब कह सकते हो पानी की धार, और dirty trickle मतलब गंदे पानी की धार, ठीक है। We are in triplicane now, लड़की कहती है अब हम ट्रिप्लिकेन में आ चुके हैं। ट्रिप्लिकेन एक जगह का नाम है, चेन्नई का पड़ोसी शहर है और चेन्नई से भी पुराना शहर है, ठीक है। तो लड़की कहती है अब हम ट्रिप्लिकेन आ चुके हैं। सी दैट इज बंकिंगम कैनॉल, लड़की वेलू को दिखाती है कि वो देखो वो रहा बंकिंगम कैनॉल, जया, जया ने ऐसा कहा, ठीक है। नाउ टिफिन का मतलब पता ही है, पैनिक्ड का मतलब होता है परेशान हो जाना। आगे पढ़ते हैं हम। वेलू स्टेयर्ड, दिस वॉज अ कैनॉल, वेलू घूरता है कहता है अच्छा ऐसा नहर होता है क्या, क्योंकि नहर तो पहली बार देखा था वेलू ने। नियर सम पडल्स ऑफ वाटर वॉज अ रो ऑफ द स्ट्रेंजेस्ट हर्ट्स ही हैड एवर सीन, और आगे चलते चलते वेलू देखता है कि कुछ पानी के गड्ढों के बगल में, कुछ पानी के गड्ढों के पास में एक कतार लगी हुई थी। अजीबो गरीब झोपड़ियां थी उस कतार में, और ऐसे अजीब झोपड़ियां थी कि ऐसी झोपड़ियां आज तक वेलू ने कभी भी नहीं देखी थी। दे वर बिल्ट आउट ऑफ ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स, ये झोपड़ियां लगभग हर तरीके की चीजों से मिलकर बनी हुई थी। मेटल सीट्स, ये जो टिन की पतरी होती है ना, आप जानते हो टिन का जो पतरा होता है वो घरों के ऊपर रखा जाता है ताकि घर में क्या रहे, छाया रहे। तो जो वो झोपड़ियां थी वो टिन के पतरी की बनी हुई थी। उन टिन के पतरियों पर टायर फेंका गया था, ईटों से बनाई गई थी वो झोपड़ियां, लकड़ियों से बनाई गई थी, कुछ कुछ प्लास्टिक्स का भी यूज हुआ था। जैसे एक झोपड़पट्टी होती है सेम वैसे ही वो झोपड़ियां बनाई गई थी। दे स्टूड क्रुकेडली, वो झोपड़ियां बहुत ही तिरछे तरीके से खड़ी थी। क्रुकेडली का मतलब होता है आड़े तिरछे खड़ा होना, मतलब बहुत ज्यादा जैसे पक्का मकान होता है ना एकदम सीधा, वैसे नहीं, जैसे झोपड़ियां होती हैं कि बस अब गिरने ही वाली हैं, बस वैसे ही वो झोपड़ियां खड़ी थी। एंड लुक्ड, और उन झोपड़ियों को देखकर ऐसा लग रहा था एज इफ दे वुड फॉल एनी मोमेंट, कि वो किसी भी वक्त गिर सकती हैं। Is this where you live? अब वेलू उस लड़की से पूछता है, जया से पूछता है कि क्या ये वही जगह है जहां तुम रहती हो? These houses are strange, ये जो झोपड़ियां हैं, ये जो घर हैं, ये बहुत अजीब हैं, ऐसा वेलू ने कहा। और वेलू आगे कहता है कि इन आवर विलेज, हमारे गांव में द हाउसेज आर मेड ऑफ मड, जो घर होते हैं ना वो मिट्टी के बने होते हैं, एंड पाम लीव्स, और ताड़ के पत्तों के, ताड़ क्या होता है, ताड़ी जिसे नारियल जैसा होता है, बिहार उहार साइड पाया जाता है, उनकी पत्ती क्या होती है, बड़ी बड़ी होती है, इसलिए झोपड़ियों को छाने के लिए, झोपड़ियों को कवर करने के लिए यूज होता है। तो यहां पर वेलू कहता है कि हमारे गांव में तो मिट्टी के और ताड़ के पत्तों का घर बनाया जाता है, यहाँ का जो घर है वो बहुत अजीबो गरीब है। जया वेंट अराउंड टू वन ऑफ द हट्स, जया एक झोपड़ी के पास जाती है, एंड डम्प्ड हर सैक, और अपना थैला पटक देती है आउटसाइड, उस झोपड़ी के बाहर ही। देन सी पिक्ड अप एन एम्प्टी वन, उसके बाद वो लड़की एक खाली थैला उठाती है और कहती है वेलू से, लेट्स गो, चलो चलते हैं। सी टर्न्ड टू वेलू एंड गिव हिम अ शोव, वो लड़की वेलू की तरफ मुड़ती है और वेलू को थोड़ा सा धक्का देती है, बोलती है ना शाइड हो, ऐसा वाला धक्का देती है। एट लिस्ट हेल्प मी नाउ, लड़की वेलू से कहती है अब कम से कम तुम अब मेरी मदद करो। हियर,
यहां देखो वियर दीज एंड कम विथ मी, ये देखो ये मैं कुछ दे रही हूं इसे पहन लो और मेरे साथ चलो। सी थ्रू हिम अ पेयर ऑफ ओल्ड शूज, वो लड़की वेलू को क्या देती है, पुराने जूते। आप देख रहे हो ये यहां पर जूते, ठीक है, तो वही यहां पर लड़की वेलू को पहनने के लिए पुराने जूतों की एक जोड़ी देती है जिनमें फीता नहीं रहता, उन जूतों में लेसेस नहीं रहते हैं। एंड पुश्ड अ सैक एंड अ स्टिक इनटू हिज हैंड्स, और जो जया है वो वेलू के हाथ में एक थैला और एक लंबी सी स्टिक थमा देती है, पकड़ा देती है, ठीक है। अब वेलू वॉज कंफ्यूज्ड, वेलू बहुत कंफ्यूज्ड था, व्हाट वर्क डिड सी वांट हिम टू डू विद दीज थिंग्स, वेलू सोच रहा है कि ये लड़की कौन सा काम करवाना चाहती है मुझसे इन चीजों के साथ, एक थैले के साथ, एक स्टिक के साथ, मैं कौन सा काम करूंगा। द ओनली वर्क ही हैड एवर डन वॉज ऑन द लैंड ओनर्स फार्म, वेलू ने आज तक केवल एक ही काम किया था, जमींदार के खेत में वो खेती करता था। वो क्या क्या करता था, वो वीडिंग करता था, मतलब घास को निकालता था, वो जो फसलों के बीच में घास आ जाते हैं ना उन घासों को वो निकालता था, और गाय को लेके जाता था वो चराने, केवल इतना ही काम वेलू ने आज तक किया है। आर देयर एनी फार्म्स इन द सिटी, इसलिए वेलू उस लड़की से पूछता है कि क्या शहर में भी कोई खेत है क्या, वो जया से पूछता है, उस लड़की से वो पूछता है। नाउ सी लॉफ्ड एंड थम्ड हर स्टिक ऑन द ग्राउंड, लड़की हंसती है और अपना जो स्टिक वो लड़की ली हुई है उसको ग्राउंड पर पटक देती है और कहती है, फार्म्स, तुम खेतों की बात कर रहे हो, देयर आर नो फार्मर्स हियर, यहां पर कोई किसान नहीं है, वी आर रैक पिकर्स, हम कचड़ा बीनने वाले हैं। अब वेलू कहता है, रैक पिकर्स, क्या तुम कचड़ा बीनने वाली हो। अब लड़की कहती है, सी माई सैक, मेरा थैला देखो, फुल ऑफ थिंग्स आई कलेक्टेड, इस थैले में मैंने वो चीजें इकट्ठा की हैं जो मैंने कचड़े से क्या किया है, बीना है, जो मैंने कचड़े से इकट्ठा किया है। अब वेलू कहता है, तुमने कचड़ों को क्यों इकट्ठा किया, फ्रॉम वेयर, और कहां से इकट्ठा किया। अब वेलू ये लड़की से पूछता है, फ्रॉम रबीज बीन्स, लड़की कहती है, मैंने कचड़े के डिब्बों से, मैंने जो बड़े बड़े कचड़े के डिब्बे होते हैं ना वहां से मैंने इन चीजों को इकट्ठा किया है। रबीज का मतलब क्या होता है, कचड़ा। वेयर एल्स, और कहां से करूंगी, मैंने कचड़ों के डिब्बों से इकट्ठा किया इन सारी चीजों को। अब वेलू कहता है, यू कलेक्ट रबीज, तुम कचड़े बीनती हो, तुम कचड़ों को इकट्ठा करती हो। वेलू हैड नेवर हर्ड ऑफ सच अ थिंग, वेलू ने आज तक ऐसे कोई काम के बारे में नहीं सुना था कि कोई कचड़ा क्यों इकट्ठा करेगा। ब्लॉकहेड, अब जो वेलू है वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड हो जाता है, इसलिए लड़की कहती है, ए मंदबुद्धि, इट्स नॉट एनी रबेस, ये कोई कचड़ा वचड़ा नहीं है, वल्ली पेपर, इसके अंदर केवल कागज है, प्लास्टिक है, सीसे हैं और ऐसी ही चीजें हैं इसमें। वी सेल इट टू जाम बाजार जग्गू, हम इसे एक ऐसे व्यक्ति के पास बेचते हैं जिसका नाम है जाम बाजार जग्गू, मतलब जाम बाजार वाला जग्गू, उसके यहां पर हम इसे बेचते हैं और वो हमें पैसे देता है। वेलू वॉज पजल्ड, अब वेलू और कंफ्यूज हो गया, वो और परेशान हो गया, वो सोचता है कि ही हैड हर्ड ऑफ पीपल थ्रोइंग अवे रबिस, वेलू सोचता है कि उसने ये तो सुना है कि लोग कचड़ा फेंकते हैं, बट वाई वुड एनी वन वॉन्ट टू बाय रबिस, लेकिन वेलू को ये नहीं समझ में आता कि कोई कचड़ा खरीदता क्यों है। अब इसलिए वेलू पूछता है उस लड़की से कि ये जाम बाजार जग्गू कौन है, हु इज जाम बाजार जग्गू, वाई ही इज बाइंग ऑल दिस, ये वो जो जाम बाजार जग्गू है वो इन कचड़ों को क्यों खरीदता है। अब लड़की पूछती है कि यू थिंक ही बाइस इट फॉर सो, लड़की कहती है तुम्हें क्या लगता है कि ये जो जाम बाजार जग्गू है ये इन कचड़ों को ऐसे ही सो पीस के लिए थोड़ी ना खरीदता है, ही सेल्स इट टू अ फैक्ट्री, ये क्या करता है जाम बाजार जग्गू, ये इन कचड़ों को फैक्ट्री में बेचता है, और कम ऑन आई डोंट हैव टाइम टू वेस्ट लाइक यू, और लड़की कहती है छोड़ो इन सब बातों को, मेरे पास तुम्हारे जैसे टाइम नहीं है वेस्ट करने के लिए, मुझे बहुत सारा काम है। वेलू डिड नॉट मूव, लेकिन वेलू वहां से हिलता डुलता नहीं है, ही हैड नॉट रन अवे एंड कम टू दिस न्यू प्लेस
टू डिग थ्रू गार्बेज बीन्स। वो सोचता है कि काश मैं अगर अपने गांव से भागा नहीं होता तो मुझे इस नई जगह पर आकर कचरा बीनना नहीं पड़ता। जया पोक्ड एट हिम विथ हर स्टिक। जया उस वेलू को ख्यालों से जगाती है, एक डंडे से उसके शरीर पर क्या करती है, पोक करती है, चुभाती है, कहती है ए कहां खोए हो, लुक हियर, यहां देखो। लड़की चिल्लाती है इफ समवन गेट्स देयर बिफोर अस वी डोंट गेट एनीथिंग। लड़की कहती है अगर हमारे से पहले कोई कचरा बीनने वाला उन डब्बों के पास पहुंच गया ना तो हमें कुछ नहीं मिलने वाला है। डोंट जस्ट स्टैंड देयर, मात्र वहां पर खड़े मत रहो, पोज मत दो तुम वहां पर, फोटो नहीं खिंचवाने गए हो, बड़े हीरो बन रहे हो। आई एम ट्राइंग टू हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। हु फिल्ड योर स्टोमक टूडे, किसने तुम्हारा पेट भरा, बताओ तो थोड़ा। तो वेलू कहता हाँ तुमने ही भरा। वेलू स्क्रैच्ड हिज हेड, वेलू अपना सर खुजाता है और कहता है हाँ चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूं। आई विल डू इट फॉर नाउ, वेलू कहता है मैं अभी के लिए यही काम करता हूं। अंटिल आई फाइंड अ बेटर जॉब, जब तक मुझे कोई एक अच्छी नौकरी नहीं मिल जाती तब तक के लिए मैं यही काम करूंगा, ऐसा वेलू ने सोचा। तो चैप्टर हमारा यहीं पर फिनिश हो जाता है और इस चैप्टर को तीन लोगों ने मिलकर लिखा है, गीता वुल्फ, अनुष्का रविशंकर और अरिजीत सेन। और ये जो पूरा चैप्टर है ये लिया गया है ऑन रैकपिकर चिल्ड्रेन एंड रिसाइकलिंग, ये एक नॉवेल है, इस नॉवेल से एक छोटा सा हिस्सा है ये चिल्ड्रेन एट वर्क। एंड रही बात कॉम्प्रेंशन चेक क्वेश्चन की और एनसीईआरटी सॉल्यूशंस की, तो वो हम अपने नेक्स्ट पार्ट में अपलोड करेंगे। बने रहिए हमारे चैनल के साथ, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।